हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये बहुत ही खूबसूरत से ब्लशंस, और ये आपको कहीं से भी नहीं मिलेंगे इतने प्यारे हसीन ब्लशंस, क्योंकि ये ब्लशंस हम यूज़ करते हैं प्रोफेशनली इन सलोन्स, और बड़े बड़े सलोन्स में ये यूज़ किया जाता है ये पैलेट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आई मैजिक के प्रो कॉस्मेटिक्स पैलेट की, और ये ब्लश एंड पैलेट आई हाईली रिकमेंड, और आगे मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों इसको हाईली रिकमेंड करती हूँ। पहले इसका थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ आपको कि ये कितना हसीन पैलेट है। इसमें इसके पैंस में जो है ना, वो अच्छे खासे तादाद में ब्लशंस मौजूद हैं, जो कि आपको जो है ना वो कभी ना ख़त्म होने वाले हैं, और बहुत अच्छी क्वालिटी में है। तो ये इसके कुछ लुक है, इसको अनबॉक्स कर लेते हैं पहले तो इस पैलेट को। और मैंने ये पैलेट बाय किया है इंस्टाग्राम के पेज से। आगे चल के मैं आपको इंस्टाग्राम का पेज भी बताती हूँ, और इसके प्राइस भी बताती हूँ कि इसके प्राइस क्या है। तो ये इस तरह से कार्ड लाइक बोर्ड की पैकेजिंग में आता है, बहुत एक रॉयल टाइप, बहुत ही खूबसूरत ये पैलेट है। ना सिर्फ ये बाहर से खूबसूरत ब्लश पैलेट है, बल्कि अंदर से भी ये आई मैची का जो पैलेट है ये बहुत खूबसूरत है। ये पैलेट जो है प्रोफेशनल जो है उनकी वैनिटी में ज़रूर होता है, और अगर आप बिगिनर हैं या अगर आप मतलब मेकअप लवर हैं, तो आपको इस पैलेट को ज़रूर बाय करना चाहिए, क्योंकि ये वर्थ बाइंग पैलेट है। इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो खैर, यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन हैं जो कि उन्होंने इसमें यूज़ किए हैं। ये 2 इयर्स के लिए मतलब इसको आप यूज़ कर सकते हो, और इसको आप स्कैन भी कर सकते हो इसके प्राइस वगैरह को कि ये रियल है या नहीं। ये इसके प्लस पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम आगे जो इसके प्लस पॉइंट्स हैं मैं वो बताती हूँ। इन्हें सारे इंग्रेव्ड हैं यहाँ, ये वाले जो इसमें ब्लशंस हैं, इसके पेंस काफ़ी बड़े बड़े हैं, और आपको देख पता है कि एक एक सिंगल ब्रश जब आपने बाय करना होता है कितना कॉस्टली होता है, लेकिन यहाँ पर ये पूरा पैलेट, ये इतना ज़्यादा लग्जरियस पैलेट जो है ना, वो आपको मतलब बहुत ही, मैं कहती हूँ, रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है, और वो भी प्रोफेशनल यूज़ के लिए। तो यहाँ पर मैं सेट कर लेती हूँ इसके कार्डबोर्ड को, और ये इसके कुछ लुक है। टच इसका नाम है, और आई मैजिक का ये पैलेट वंडरस। इसके जो है ना मतलब आप ब्लश जब यूज़ करते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपने कैसी प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाई हुई है। तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ, तो मैजिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जी जनाब, तो ये है जी इसके बहुत खूबसूरत से 6 शेड्स। यहाँ पर मैंने इसकी जो लेमिनेशन हटा दी है, तो ये शेड्स हैं। ये मैं पहले भी इसे स्वैच कर चुकी हूँ एक्चुअली, तो मैं अगेन, मैंने आपके लिए जो वीडियो बनाने के लिए मैंने कहा चलिए आपको अभी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर 6 शेड्स हैं, आप देखें ईच एंड एवरी शेड इज़ डिफरेंट, और ये लाइट और डार्क स्किन वालों के लिए, यानी किसी भी स्किन पर आपने काम करना है तो ये पैलेट बेस्ट है। अगर किसी का डीप कलर है, डार्क कलर है, उस पर ये डार्क कलर्स चलेंगे। लाइट कलर वाले जो कूल टोन वाले, उनके लिए लाइट कलर्स बहुत प्यारे लगेंगे। इसके अलावा पीच और पिंक जो इसमें शेड्स हैं, बहुत हसीन है। आप जो टीनेज गर्ल्स हैं उनको बिल्कुल फ्रेश लुक देते हैं। अगर बड़े भी लगा लेते हैं, टीनेज से बड़ी ख्वातीन भी लगाती हैं, तो उनको भी ये बहुत ज़्यादा फ्रेश लुक की देने के लिए ये पैलेट बेस्ट एंड बेस्ट वन है। अब बात करते हैं जी इसके कुछ स्वेचेज वगैरह की भी। अब इसमें 6 शेड्स हैं, और यहाँ पर मैं आपको पहला जो दिखा रही हूँ, इसमें थोड़ा सा शाइन भी है, लाइक हाइलाइटर टाइप है। अगर आप हाइलाइटर स्किप भी करते हो तब भी ये पैलेट आपको बहुत ही प्यारी सी अच्छी ग्लो देगा आपके फेस पे, आपको हाइलाइटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड शेड देख लें, इसमें मतलब नेम्स हैं, स्वीट है, चिक इसमें है, और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, वो भी मैं आपको इसके साथ साथ मेंशन कर दूंगी। और इसके बाद ये पीच शेड है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, कोरल पीच टाइप, और ये सारे ही जो कलर्स हैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। लाइट स्किन वाले और तो बहुत ही इसको अच्छे से लगा सकते हैं, बाकी फिर जो डार्क स्किन, डस्की स्किन होती है, ये मूव कलर है जो थोड़ा सा पर्पली शेड है, देखिए कितना हसीन लग रहा है। यानी ये शेड जो है ना, ये आपको मार्केट से अगर आप अकेले के लिए भी बाय करो तो काफ़ी कॉस्टली पड़ सकते हैं, और लेकिन यह कि कुछ इसमें ऐसे शेड हैं जो आपको मार्केट से भी ब्लशन में नहीं मिलेंगे। जैसे कि ये शेड है ब्राउन सा, इसमें आप इसको कंटूरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और लेकिन ये कि इसको आप आई शेड के लिए भी यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ बेस्ट एंड बेस्ट, और इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है। ये वाला कलर मच्योर कलर है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें पिंक और जो ब्राउन है, इसका दोनों का मिक्स शेड है, ये बहुत ही हसीन शेड्स हैं। डीप स्किन के लिए तो ये मस्ट हैव वाले बना, ये जो मतलब स्वेचेज हैं इसके, और मस्ट हैव वाले जो है ना इसके ये शेड्स हैं। बाकी ये लाइट से डार्क की तरफ जो है, ये सारे इसके शेड्स हैं, और 6 इसमें शेड्स हैं, और पैन देखें काफ़ी बड़े बड़े हैं, काफ़ी इनफ इसमें प्रोडक्ट है।
तो ये मेरे हाथ पे भी स्वेचेज हैं, मैंने किए, ये बिल्कुल भी हटते नहीं है, इसको ब्लेंड, ये ब्लेंडेबल है, और जहाँ आपने लगाना है ये वहाँ पर काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, इतनी जल्दी हटते नहीं है, और इसको आप आईज़ पर भी बड़ी इजीली जो है वो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आई मेकअप में भी ये आपकी जो आपने जब इसको डिफाइन करना है तो बहुत ही ये प्यारे लगेंगे आपकी आईज़ पर, और आपका जो मेकअप है वो भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। मैं थोड़ा सा करीब से आपको दिखा देती हूँ इसके जो शेड्स हैं, तो ये तो जी सारे इसके शेड्स हैं जो कि मैंने आपको दिखा दिए हैं, तो देखिए कितना सीन ये पैलेट है, और ये मस्ट हैव पैलेट है, प्रोफेशनल्स जो हैं ये वो इसको यूज़ करते हैं, और एज आई एम आल्सो अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, सो मैं भी इसको जो है ना, मैंने इसको बाय किया, तो जब मैंने इसे टेस्ट किया मुझे ये काफ़ी पसंद आया, क्योंकि मुझे अपने सैलून में भी और खुद के लिए भी वीडियोज़ में जो है ना मुझे ब्लश इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो इस तरह से वाइब्रेंट शेड में हो, हर शेड दूसरे से डिफरेंट है, और देखिए इसकी पैकेजिंग में भी चीप सा नहीं लगता बल्कि बहुत ही प्यारा और अच्छा लगता है कि इसके प्राइस जो हैं, अब उसकी बात कर लेते हैं, तो इसकी जो प्राइस है ये मैंने इंस्टाग्राम का पेज है ब्यूटी ग्लेज, वहाँ से मैंने ऑर्डर किया है, तो वहाँ से मैंने ये 2500 में लिया है पाकिस्तानी प्राइस में, और 250 इसके मैंने डिलीवरी चार्जेस दिए हैं, ठीक है, तो तकरीबन मुझे 2800 रुपये के राउंड अबाउट ये पैलेट पड़ा है, लेकिन ये पैलेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और आई हाईली रिकमेंड दिस पैलेट, और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये पैलेट अच्छा लगा होगा, अगर आपको मेरा आज का रिव्यू पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा आपको आज के इस पैलेट का रिव्यू। तो जाते जाते स्वेचेस भी एक बार फिर धूप में भी आपको दिखा देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।